ये देखिए गौर से इस औरत को, बैठी नहीं गाड़ी में और इसका चालू खाना, क्योंकि मैं को भी नहीं खाया था खाना। अरे सासू माँ भी चालू हो गई। ये देखो, और ये हम आ चुके हैं, मम्मी रुक जाओ एक मिनट, हम आ चुके हैं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। पापा क्या बोल रहे हैं बताओ? चीनी रोक के पत्ती ठोक के। चीनी रोक के पत्ती ठोक के, ये कौन सी, ये कैसी चाय होती है? अरे उल्लू के पत्ते दांत बाहर आ जाएंगे। पापा ने गाली दी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फाइनली बहुत दिन बाद हम लोगों को मौका मिल रहा है कि हम लोग कहीं रोड ट्रिप पे जा सके, और हम लोग जा रहे हैं हिसार अपनी दीदी के पास, और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे पीहू, उससे मिलने। तो बस अभी जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत लेट हो चुका है, मेरी डांट पड़ रही है तब से, क्योंकि सबसे लेट मैं उठा था और मैंने थोड़ा सा लेट करवा दिया। सामान वामान गाड़ी एकदम फुल पैक हो गई है, पापा गाड़ी में बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, और बस ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं रोड ट्रिप पे। ये अराउंड 300 से 400 किलोमीटर के करीब है, और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और काफ़ी अच्छा रूट है, तो चलो फिर देखते हैं कैसा है। चलो 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 भौरिया चलो, तैयार हो गई कि नहीं? बाबा जी थोड़े से दुखी, जब हर कोई जाता है घर से तो बाबा जी दुखी हो जाते हैं, मतलब वो नेचुरल फीलिंग भी है। लो पापा मम्मी और में जा रहे हैं, चलो। सामान क्या कुछ बचा है? सामान तो नहीं है। सामान 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 दिखाई है तुम्हारा बैग? चश्मा तो ले लो। पापा बाहर हॉर्न बजाते हुए, अफरा तफरी मच चुकी है घर में। ये देखो सबसे पहले पापा जाके गाड़ी में बैठ चुके हैं। चलो चलो। अरे ये सामान, अरे ये सामान भी रखना है, अभी तो बचा है सामान। तो फाइनली हम लोग सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। पापा बेचारे आधे घंटे पहले से बैठे थे गाड़ी में, हॉर्न बजा रहे थे, आओ सब आओ सब आओ, एसी ऑन करा, एसी ऑन करके हम सबके लिए ठंडा करके, और पीछे अलग ही कचरियां चल रही है अभी। देखिए अब ये देख सामान, ये ट्रक कर रहे हैं, ऐसा समझ लिया है कि ट्रक है बिल्कुल, और इतना सामान भर लिया है मम्मी ने। बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते माँ के हिसाब से। ये देखो पापा, आप तो मम्मी ऐसे बोल रहे हैं, आप इसको बेच दो, यहीं ले लेते हैं, चलो बोलेरो ले लेते हैं। ये देखो फिर उसमें लॉकडाउन खुलने के बाद, मैं तो लड़के से कह रही हूँ, लॉकडाउन खुलने के बाद सवारियां भी भरवा लिया करेंगे, फिर बोलेरो चलवा देंगे आगरा इटावा। मम्मी ने एक्चुअली ना, मम्मी का ऐसा लॉजिक है कि सामान पहले देखो फिर बाद में गाड़ी देखो कि कितनी बड़ी है, पहले सामान देखो कि कितना सारा ले जाना है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया सामान। ये लैपटॉप की बैग नहीं आ रहा है, हमारा सामान तो आ गया। गोदी में क्या आपका सामान रखा है? ऐसी ले जाओगे पूरा 6 घंटे सफर में? दीक्षा खोपड़ी क्यों मार रही हो रूफ पे अपनी? तो अभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले, फिर वापस से व्लॉग करेंगे। अभी अभी भी चल रहा है वो, देखो पीछे, तो वो करने के बाद फिर वापस से ब्लॉक करते हैं। ये देखिए गौर से इस औरत को, बैठी नहीं गाड़ी में और इसका चालू खाना, क्योंकि मैं को भी नहीं खाया था खाना, किसी ने नहीं खाया था तुम्हारे चक्कर में। ये कौन सी बात होती है, ट्रेन में भी उस दिन बैठे थे मम्मी, बैठती जैसे ट्रेन हिली मुझे भूख लग रही है, मन करता है ना। और अभी देखो पहले भूख नहीं लगती है, फिर बैठते से भूख लगती है, सुबह से हम काम कर रहे हैं, सासू माँ भी चालू हो गई। ये देखो बहुत बढ़िया, बेचारे बेचारे दोनों आदमी गर्मी में बाहर खड़े हैं, टायर चेक करा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, लेकिन नहीं, चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय चिप्स लेने। और ये हम आ चुके हैं, मम्मी रुक जाओ एक मिनट, हम आ चुके हैं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, जो कि उर्फ मेंटल हाउस, आगरा का फेमस पागल खाना, जहाँ पे दीक्षा को जरूर है आना, साथ में राजा को लेके जाना। इज्जत घर भी है यहाँ पे। इज्जत घर, इज्जत घर लिखा था उधर पे। अच्छा। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको आगरा का पागल खाना देख के? अच्छा लगा, मैं सोचती थी किधर है किधर है किधर है, एक बार तुमको अंदर भी लेके चलेंगे, चलो जरूर, तुम्हारा बैग पैक करवा के लाएंगे साथ में, आप तो साथ में चलेंगे सही ना? अच्छा, अरे दांत बाहर आ जाएंगे, पापा ने गाली दी, शीशे बंद में देते हैं, तो अभी 3 लोगों को सुनाई पड़ती है। और ये है आगरा का द फेमस सिकंदरा, जो कि अभी बिल्कुल दिख नहीं रहा है झाड़ियों के पीछे। क्या है सिकंदरा में? सिकंदरा मॉन्यूमेंट है भाई, ताजमहल फतेहपुर सीकरी जैसा छोटा मॉन्यूमेंट है। ये देखिए आगरा के फेमस ऑटो वाले रॉन्ग साइड पे चलाते हुए, चलिए और ये डायरेक्शन जाता है मथुरा की तरफ, हम है NH2 पे, चलो। अभी हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, पापा क्या बोल रहे हैं बताओ? चीनी रोक के पत्ती ठोक के। चीनी रोक के पत्ती ठोक के, ये कौन सी, ये कैसी चाय होती है? समझ जाएगा। अच्छा मम्मी आप भी पियोगे चाय?
मैं मम्मी को हाथों से पिला देनी चाह रही हूं। अब तक खाने की तैयारी करो। अभी हम आ चुके हैं गुलशन ढाबा। गुलशन ढाबा इस रूट पे बहुत फेमस है, मतलब बहुत सारे हैं। अच्छा। वो मतलब रहे होंगे कोई बूढ़े दादाजी वादाजी, उनके सारे नाती पुते पूरे खानदान ने सारे मल्टीपल गुलशन ढाबा खोल दिए। सास बहुओं ने तो पीछे जो बैठी है इन्होंने तो पहले वही टायर जब चेक हो रहा था वही खा लिया था। आगरा में ही घर के पास ही थे बिल्कुल। तभी पापा वहाँ सामने ढूंढ रहे हैं कहीं तो भी रिलैक्स होने का रास्ता। पीछे के भी दो खाली। ये है गुलशन ढाबा, गुलशन नंबर वन ढाबा। वो जा रहे हैं पापा, वो पीछे वो है रेस्ट रूम की तलाश में। चलो चाय लेके आते हैं। भैया चार चाय करवा दीजिए। चार चाय, पत्ती ज़्यादा चीनी कम रखना, मीठा ना हो, ठीक है। कितना हो गया चार चाय का? 80। भैया वो उधर गाड़ी है, वो उधर इको स्पोर्ट, तो इधर ही बता देना, ठीक है। ये बहुरिया की बातों पे मैं तो विश्वास करता नहीं हूँ। आप ही पिए क्या चल रहा है मम्मी? जब खुलती से देखो। हाँ मम्मी आप बताओ, मम्मी पिए चाय कैसी है? मम्मी सही, अच्छी चाय है। सही है मम्मी ने बोला। फाइनली तो पापा बताएंगे। तुम्हारी प्लेट कहाँ गई? मैं नहीं खा रही हूँ। ओह माय गॉड, क्यों ऐसा कैसे हो गया? नहीं मम्मी अब तो डाइटिंग करके कहाँ जाना है, दिसंबर में जाना है। ये है सही कह रहे हो, पूड़ी, हमारे खानदान के एवरग्रीन फेमस मेथी आलू की सब्जी और लाल चटनी। ये तो पुश्तैनी चटनी है, मतलब पुश्तों के साथ चलते हैं। और वो रखी चाय गुलशन नंबर वन ढाबा पे, खाना खाते हैं। गुलशन नंबर वन ढाबा, गुलशन 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 कुमार नहीं, गुलशन ग्रोवर वाला उसका है ढाबा। डस्प्रीन कौन? डस्प्रीन डिस्प्रीन क्यों, क्या हुआ? सरदर्द हो रहा है, खोपड़िया में दर्द हो रहा है। अरे हमारे सर्वाइकल हो रहा है। अच्छा वो मेरे इसमें लैपटॉप बैग में रखी है, सामने ही तो रखा है, दे दूंगा अभी। चलो अब जल्दी से मैं भी खाना खाता हूँ और फिर थोड़ा सा बात करते हैं रूट के बारे में। रूट के बारे में क्या बात करोगे? तो मैं बोलना जरूरी है पीछे से मैं बोल के अपना एंड कर रहा हूँ। रूट के बारे में बात करना जरूरी है, सर्वाइकल हो रहा है, चुपचाप बैठो। वो तुम करना, सर्वाइकल के बारे में अपनी बात करना जब भी कुछ हो तो। मेरा सर्वाइकल हो रहा है तो चलो भी खाना खाते हैं, भूख लग रही है। इसने तो ये तो खा चुकी है ना, इसलिए इनकी एनर्जी इतनी। सुबह ही बैठते ही गाड़ी में मुझे लग रही है भूख, तो मैं खाना जा रहा हूँ। हाँ तुर तुरे भी खा लिए तो बस अब मैं इसलिए खाना खाने जाता हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद। बाय बाय। और बताइए महाराज जी, आज तो आपको काम करना पड़ रहा है खूब। क्या काम? प्रजा पे अपनी गुस्सा आ रहा होगा, आज मुझसे काम करवा रहे हो ऐसे। सेनापति हमारा कुछ कर ही नहीं रहा है, बैठा बैठा बस। मैं सेनापति हूँ और क्या, तुम क्या दासी मानती हो अपने आप को? अब आप ट्रीट ही मुझको दासी की तरह करते हो। पान पेठा खाएंगे। लास्ट ब्लॉग में तो तुम अपने आप को बोल रही थी मैं राजकुमारी हूँ। दीक्षा हाँ मम्मी, पान पेठा खाएंगे? यस मम्मा, पर मैं पूरा नहीं खा पाऊंगी मम्मी, मैं आधे खाऊंगी। गाइस फाइनली हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें आना था और जिससे मिलना था उसे मिल चुके हैं, और वो है ये। से हाय गाइस, ऐसे हाथ उठा के हाय गाइस, हाय गाइस, विल सी यू इन अनदर व्लॉग। यस टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय। तो बस जल्दी हम
अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय 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 बाय। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।